इससे पहले जो वीडियो आप लोगों ने देखा था उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि डिज़ाइन ड्राफ्टिंग और पेपर रन के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे डिज़ाइन से ड्राफ्टिंग और ड्राफ्टिंग से पेपर रन बना जाता है, या फिर तीनों पैरामीटर में से अगर कोई भी दो पैरामीटर हो तो उनमें से तीसरा पैरामीटर कैसे प्रस्तुत किया जाए, वो हम लोग देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अब बेसिक वेव स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले जो बेसिक वेव स्ट्रक्चर आता है वो है प्लेन वेव, और उसके साथ प्लेन वेव का हम चर्चा करेंगे। प्लेन का जो डेरिवेटिव से मतलब प्लेन वेव से जो दूसरा वेव बनाया जाता है, जैसे कि वार्फ रिप, वेव ट्रिप और मैट स्ट्रक्चर जो है, ये प्लेन वेव का डेरिवेटिव है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले प्लेन वेव के बारे में जानेंगे, प्लेन वेव क्या है। इस कोर्स के शुरुआत में ही आपको बहुत सारा डिज़ाइन वेव स्ट्रक्चर दिखाए थे, उसमें प्लेन वेव भी था। प्लेन वेव बेसिकली क्या है, इसमें जो रिपीट होता है डिज़ाइन का, ये दो एंड और दो पीक में रिपीट होता है, और इसमें कोई भी दो धागा ले लीजिए, इसमें कोई भी दो धागा ले लीजिए सीरीज में, कोई या तो वार्प का दो धागा, एक कॉन्जिक्यूटिव दो धागा ले लीजिए, या तो वेव का दो कॉन्जिक्यूटिव धागा ले लीजिए, तो दोनों का जो इंटरलेसमेंट पैटर्न है ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। मतलब जैसे ये वाला वार्प अगर आप रहेगा इस पीक के लिए तो दूसरा डाउन रहेगा, फिर नेक्स्ट पीक के लिए अगर ये डाउन हो गया तो ये वाला वार्प आप रहेगा। मतलब कोई भी दो प्लेन वेव स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोई भी दो धागा ले लीजिए जो कॉन्जिक्यूटिव हो, जो लगातार दो धागा है, साइड बाय साइड जो दो धागा है उसको ले लीजिए, और दोनों का जो पैटर्न है इंटरलेसमेंट पैटर्न वो देखिए, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये एक क्राइटेरिया है प्लेन वेव का। सिमिलरली वेव का भी देखेंगे तो सेम पैटर्न है, वेव का भी अगर दो कॉन्जिक्यूटिव दो धागा ले लेंगे, ये दो धागा अगर ले लिए एक नंबर और दो नंबर, तो इसका पैटर्न देखिए, ये जहाँ पर आप है दूसरे धागा डाउन है, ये जहाँ पर डाउन है ये दूसरा धागा आप है, ऐसे करके पूरा कपड़े में ऐसे आपको देखने को मिलेगा प्लेन फैब्रिक में। इसका कोई भी प्लेन वेव स्ट्रक्चर में कोई भी एक थ्रेड ले लीजिए, चाहे वार्फ हो चाहे वेफ्ट हो, उस थ्रेड क्या करते हैं, लगातार दूसरा जो डायरेक्शन का जो थ्रेड है, अगर मैंने वार्फ लिया तो दूसरा वेफ्ट में लगातार एक बार आप एक बार डाउन, एक बार आप एक बार डाउन, एक बार आप एक बार डाउन, इसका जो पैटर्न है हमेशा वन अप वन डाउन रहेगा, चाहे वार्फ हो चाहे वेफ्ट हो, दोनों का जो इंटरलेसमेंट पैटर्न है दूसरे सिरिंज के धागा के साथ, अगर वार्फ का पैटर्न होगा वेफ्ट के साथ तो वन अप वन डाउन होगा, और वेफ्ट का अगर पैटर्न देखेंगे वार्फ के साथ इंटरलेसमेंट का वो भी होगा वन अप वन डाउन। तो इसमें दो नंबर पॉइंट में लिखा है थ्रेड्स इंटरलेस ऑन ऑल्टरनेट ऑर्डर ऑफ वन अप वन डाउन, एक दूसरे एक बार आप रहेगा एक बार डाउन रहेगा, एक बार आप एक बार डाउन, एक बार आप एक बार डाउन, कोई भी थ्रेड उठा के देख लीजिए, एक बार आप एक बार डाउन, कॉन्जिक्यूटिव पे धागा देखेंगे तो एक ये एक दूसरे का ऑपोजिट होगा पैटर्न हमेशा के लिए, चाहे वो वार्फ हो चाहे वो वेफ्ट हो। अब जो एक नंबर पॉइंट पे लिखा है, इट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग पॉइंट्स, मतलब प्लेन वेव छोड़ के बाकी से अगर कंपेयर करेंगे प्लेन वेव को, तो प्लेन वेव का जो बाइंडिंग पॉइंट है, इंटरलेसमेंट पॉइंट है, वो बाकी वेव से ज़्यादा होता है, क्योंकि एक धागा लगातार हर एक पीक में या तो ऊपर रह रहा है एक बार नीचे रह रहा है, अप डाउन लगातार अप डाउन पैटर्न में ये मूव कर रहा है, तो इसलिए इसका क्या होता है, बाइंडिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए इसके जगह मैं अगर इसको कंपेयर करूँ ट्विल से, 3x1 ट्विल है वो 4x4 में होता है, और मैं 4x4 का एक प्लेन वेव ले लेता हूँ, तो उसका अगर मैं कंपेयर करूँ मैं 3x1 अरिस्टी ट्विल से, तो 3x1 अरिस्टी में कितने क्या होगा, उसमें चार पीक में एक ही बार इंटरलेसमेंट होगा, और इसमें चार पीक में चार बार इंटरलेसमेंट हो गए, तो इसलिए इस प्लेन वेव फैब्रिक जो होता है इसमें इंटरलेसमेंट पॉइंट ज़्यादा होता है, बाइंडिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, द थ्रेड डेंसिटी क्लॉथ थिकनेस एंड मास पर यूनिट एरिया आर लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है फैब्रिक जब बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन जब करते हैं फैब्रिक का, उसका एक लिमिटेशन होता है कि एक फैब्रिक बनाने के लिए
अगर कोई वार्प काउंट वेव काउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मान लीजिए का पर्टिकुलर काउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंट मतलब थिकनेस होता है धागे का, तो उसके हिसाब से उसमें कितना एपीआई हम यूज कर सकते हैं, कितना पीपीआई हम इसमें रख सकते हैं कपड़े में, वो लिमिट होता है। और वो लिमिटेशन सारे फैब्रिक में होता है, लेकिन प्लेन हुई फैब्रिक के लिए लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। हम अगर 3x1 टूल में जितना इंच पर इंच ले सकते हैं, पिक्स पर इंच ले सकते हैं, उसका थिकनेस जितना बढ़ा सकते हैं, मास पर यूनिट लिए अगर बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्लेन में भी वो नहीं कर सकते हैं। सबसे थिकनेस, मास पर यूनिट एरिया और जो थ्रेड डेंसिटी है मतलब ईपीआई और पीपीआई है, वो हम प्लेन में सबसे कम रख सकते हैं, बाकी में हम ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे बढ़ता जाएगा प्लेन से, प्लेन के बाद आएगा 2x1 टूल, उसमें हम ज़्यादा रख सकते हैं प्लेन से। फिर 2x1 के बाद आएगा 3x1, उसमें हम 2x1 से ज़्यादा थ्रेड डेंसिटी रखेंगे। उसके बाद आएगा 4x1 सैटिन है, उसमें और ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि जैसे हम बढ़ते बढ़ते जाएंगे 1x1 से 2x1, 3x1, 4x1, तो क्या होगा, जो बाइंडिंग पॉइंट है, जो इंटरलेस पॉइंट है, वो कम होता जाएगा देन कंपेयर टू प्लेन फैब्रिक। तो इसके चलते जो फैब्रिक का जो कंस्ट्रक्शन है, एपीआई पीपीआई, मास पर यूनिट एरिया, थिकनेस, वो भी वेरी करता रहेगा वेव के हिसाब से। इमेज को गौर से देखिए, जो इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसके हिसाब से 1/1 का एक रिप्रेजेंटेशन है प्लेन वेव का, उसके हिसाब से सामने ये जो फैब्रिक बनता है, उस फैब्रिक का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इमेज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया फैब्रिक को। तो जो जिससे लिंक ऑफ है, देखिए ये वाला जो फर्स्ट पीक इसमें दिखाई दे रहा है, ये पीक जे वाला पीक है, ऐसे मैच कराइए। ये वाला पीक का जो पहला एंड एंड के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पे जो एंड है ये ऑफ है, इसलिए यहाँ पे देखिए जो एंड्स है ये एंड ऑफ है इस पीक के लिए। फिर आगे दूसरा पिक के लिए डाउन है, देखिए दूसरा पिक के लिए एंड्स डाउन हो गया, वेव टू पर आ गया। फिर तीसरा पिक के लिए फिर से वार्प अप हो गया, फिर चौथा पिक के लिए वार्प डाउन हो गया। जहाँ फील्ड किया गया है उसका मतलब वार्प अप होता है और वेव टू नीचे होता है, और जहाँ ब्लैंक पोर्शन है उसका मतलब वार्प नीचे होता है और वेव इसके ऊपर होता है। तो ही चीज़ होता है डिजाइन में, डिजाइन रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आपको पहले बताया था कि या तो वार्प वेब के ऊपर रहेगा, एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि वार्प नीचे रहेगा, वेब के ऊपर रहेगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है वेब स्ट्रक्चर में। तो उसके हिसाब से ये जो फैब्रिक स्ट्रक्चर बनाया गया यहाँ पे प्लेन वेब का, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। अब उसके साथ साथ दोनों तरफ और एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जो कि ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब ये है, फैब्रिक को मैं अगर इस दिशा से काटूंगा, अगर इस दिशा में कपड़े को कैंची से काटता हूँ, तो उस तरफ से अगर देखूंगा तो हमें कैसे कपड़ा दिखाई पड़ेगा। तो अगर उस तरफ से दिखाएंगे तो क्या कपड़ा कैसे दिखेगा, जैसे हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखे होंगे व्यू, ये साइड व्यू है। इस तरफ से अगर देखेंगे फैब्रिक को इस तरफ से, तो कैसे दिखेगा, ये तो वार्प थ्रेड है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस तरफ से देखेंगे कि फैब्रिक को काट के, तो जो वार्प थ्रेड है वो दिखेगा आपको बिंदी जैसा दिखेगा, जैसे यहाँ पे बिंदी दिखाई दे रहा है। ये डिजाइन आपका 8x8 में है, डिजाइन आप 8x8 में है, तो देखिए यहाँ पे 8 वार्प थ्रेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वार्प थ्रेड देखिए आपको बिंदी में दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा आपको, इसका जो क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। इस तरफ से अगर काटेंगे, कोई भी धागा है, धागा थोड़ा सिलिंड्रिकल टाइप होता है, तो सिलेंडर को काटेंगे तो वो आपको ऐसे सर्कल टाइप दिखेगा उसका क्रॉस सेक्शन। तो इसलिए ये 8 धागा क्रॉस सेक्शन सर्कल टाइप है यहाँ पे, जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है। और जब ये पहला जो वेब है वो कैसे दिखेगा इसके साथ, क्योंकि ये इसमें इसी लंबाई में इसको यहाँ पे रखा गया है, तो इसका क्रॉस सेक्शन जब देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन की तरह दिखेगा, एक लाइन की तरह है। वैसे यहाँ पे वेवी लाइन दिख रहा है, वेवी लाइन इसलिए दिख रहा है कि इंटरलेसमेंट होने के बाद धागे के अंदर क्रिम्प जनरेट हो जाता है, इसलिए ये धागा वेविनेस की तरफ से दिखाई देता है। तो इस तरफ से काटेंगे तो वार्प दिखाई देगा सर्कल, और जो वेव दिखाई देगा वो होगा लाइन लाइन की तरह होगा। तो इससे भी हम मैच कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे वार्प ऑफ है, तो यहाँ पे जो बिंदी है, जो सर्कल है वार्फ का, वो देखिए इस वेब के ऊपर है। फिर आगे जाइए, दूसरा वार्फ नीचे है,
इसलिए ये वाला सर्कल वेफ्ट के नीचे चला गया। फिर तीसरा देखिए, फिर आप है ऊपर है वेफ्ट के, इसलिए ऊपर आ गया, ये फिर नीचे आ गया, ये ऊपर ये नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे अप डाउन पैटर्न में। देखिए वार्प जो कॉन्जिक्यूटिव वार्प है, एक वार ऊपर रहेगा, दूसरा वार्प नीचे, फिर तीसरा वार्प ऊपर, फिर चौथा वार्प नीचे, फिर पांचवा वार्प ऊपर, छठा नीचे, सातवा ऊपर, आठवां नीचे। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे वार्प ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये सिर्फ फर्स्ट पिक को आपको दिखाया गया है। अगर आप इस तरफ से देखेंगे, अगर मैं वेफ्ट के दिशा में काटूंगा, मतलब वेफ्ट को काट दूंगा, वार्प को नहीं काटूंगा, इस दिशा से अगर कैंचे चलाएंगे कपड़े में, तो यहाँ पे वेफ्ट काटेगा, वार्प नहीं काटेगा। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा, वेफ्ट तो दिखेगा, इस तरफ से देखेंगे इसका कैसे व्यू रहेगा, इसका व्यू रहेगा क्योंकि सिलेंडर है, इसको काटेंगे तो इसका जो व्यू रहेगा सर्कल टाइप व्यू रहेगा। और जो यहाँ पे वार्प दिखाई दे रहा है वो रहेगा लाइन के फॉर्म में, वेवी लाइन के फॉर्म में रहेगा ऐसे। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस वार्प का क्या पैटर्न है, उसके से यहाँ पे जो इमेज बनाया गया है सही है कि नहीं, तो इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये वार्प है, देखिए यहाँ पे वार्प ऑफ है, ये वेफ्ट है, जो सर्कल है वेफ्ट है, वेफ्ट नीचे है, वार्प ऊपर है। ये गलत दिशा से बता रहा हूँ मैं, ये इस तरफ से बताना पड़ेगा। ये जो है ये फेस साइड है फैब्रिक का, ठीक है, ये जो साइड है जो दिखाया गया है ये फेस साइड है, ये बैक साइड है फैब्रिक का, तो इसलिए यहाँ पे वेफ्ट ऑफ है, इसलिए वेफ्ट ऊपर है। फिर आगे देखिए वेफ्ट डाउन है, वेफ्ट डाउन है, वार्प ऊपर है, यहाँ पे आपका वेफ्ट ऊपर है, वार्प नीचे है, सिमिलरली क्या हुआ, ये वेफ्ट ऊपर है, वार्प नीचे है, ऐसे करके सारे धागे में ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया गया। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये आपका फेस साइड हो गया फैब्रिक का, ये बैक साइड है, और यहाँ पे भी ये फेस साइड है, ये बैक साइड है। सबसे पहले ये निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फेस साइड है, कौन सा बैक साइड है। अगर वो निर्धारण नहीं करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू। जैसे जैसे वीव फैब्रिक का, जैसे धागा की वीव किया गया है, धागे का क्या पोजीशन है वार्प के हिसाब से, वीव का क्या पोजीशन है, वेफ्ट के हिसाब से वार्प का क्या पोजीशन है, वो इस क्रॉस सेक्शनल व्यू से दिखाया गया है। अब प्लेन फैब्रिक का इंडिविजस क्या है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, प्लेन फैब्रिक काफ़ी जो यूज होता है बहुत इसका फील्ड बहुत बड़ा है यूज होने का। अब अगर देखेंगे शर्टिंग शूटिंग का जो फैब्रिक और प्लेन वीव का होता है, ब्लैंकेट, कैनवास, ये सब प्लेन वीव का बना होता है, धोती साड़ी सब प्लेन वीव का होता है। फिर स्पेशल टाइप का फैब्रिक जो है, मुस्लिन हो गया, कैम्ब्रिक हो गया, ये सब प्लेन वीव का बना होता है। अब डेरिवेटिव क्या है प्लेन वीव का, जो डेरिवेटिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ का बेस प्लेन वीव है उससे जो वीव का हमने डिराइव करेंगे, प्लेन वीव से डिराइव किया गया जो वीव है उसको प्लेन का डेरिवेटिव वीव कहते हैं। तो कैसे, यहाँ पे चार पॉइंट लिखा होगा, चार पॉइंट में लिखा होगा कैसे हम बना सकते हैं कि प्लेन वीव्स डेरिवेटिव स्विच आर ऑल एक्सटेंशन ऑफ प्लेन वीव एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन टू हेड्स। ये इसलिए डेरिवेटिव का कहा जाता है कि प्लेन वीव से बनता भी है, और जैसे प्लेन वीव दो हिल फ्रेम में बन जाता है ड्राफ्टिंग पैटर्न, ये भी दो हिल फ्रेम से ही बनता है, इसके लिए दो ही हिल फ्रेम की जरूरत पड़ती है। पेग प्लान कभी प्लेन होगा, कभी प्लेन का डेरिवेटिव होगा, उसमें फर्क रह सकता है, लेकिन जो हिल फ्रेम है, हिल फ्रेम का जो रिक्वायरमेंट है, दो ही हिल फ्रेम चाहिए। तो द एक्सटेंशन ऑफ प्लेन वीव कैन बी प्रोड्यूस आइदर वर्टिकली अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो उसमें पीक्स का ग्रुपिंग हो जाएगा, ग्रुपिंग टुगेदर सेवरल पीक्स इन द सेम सेट एंड रिजल्टिंग वार्प पीक्स। वार्प शेप बनाने के लिए क्या करते हैं कि प्लेन वीव को हम वर्टिकली मतलब वार्प डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करते हैं, जिसके कारण जो पीक है ग्रुपिंग होता है पीक का सेम सेट के अंदर, और ये एक वार्प शेप बनाते हैं। दूसरा वेब ट्रिप बनाने के लिए क्या होता है, विद ग्रुप्स ऑफ नेबरिंग एंड्स हॉरिजॉन्टली वर्किंग इन टैंडेम प्रोड्यूसिंग वेव ट्रिप्स। उसमें जब बनाते हैं तो जो प्लेन वीव है उसको हॉरिजॉन्टली मतलब वेफ्ट के डिरेक्शन में उसको बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं उसी वेव को, तो उसके हिसाब से क्या हो जाता है, जब उसको बढ़ाते हैं वेफ्ट डिरेक्शन में तो एंड्स का जो है ग्रुपिंग हो जाता है,
अगर दोनों तरफ से दो दो या तीन तीन बढ़ाते हैं तो तीन एंड्स का ग्रुपिंग बनेगा, तो तीनों एंड्स क्या होगा, उसका जो वर्किंग पैटर्न होगा वो एक जैसा होगा, और उसमें जो जो कॉर्ड बनेगा उसको कहेंगे वेप रिब्स, और एक कॉर्ड लाइन दिखेगा वर्टिकली लेकिन इसको कहते हैं वेप रिब्स। और अगर दोनों तरफ से अगर एक्सटेंड करते हैं, चाहे वार्प डायरेक्शन और दोनों डायरेक्शन वार्प और वेव डायरेक्शन में अगर इसको एक्सटेंड करते हैं प्लेनवेव को, तो जो वेव बनता है उसको मैट वेव या तो हाफ सैग या तो बास्केट वेव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखाया गया है प्लेन वेव का। क्लासिफिकेशन क्या है, प्लेन वेव से तीन वेव बनता है, वार्प वेव, वेव वेव और मैट वेव। और तीनों वेव में से फिर दोनों दो दो हिस्सों में बांटा गया है, दो टाइप में बांटा गया है, एक टाइप है रेगुलर टाइप और एक इरेगुलर टाइप। तीनों में रेगुलर इरेगुलर टाइप वेव्स बनाया गया है। ये कैसे बनता है, किस क्यों इसको रेगुलर और इरेगुलर कहा जा रहा है उसको बताएंगे। तो सबसे पहले है वार्प वेव्स। तो दीज आर प्रोड्यूस बाई एक्सटेंडिंग द प्लेन वेव इन वार्प वेव डिरेक्शन। ये जो थिक बॉर्डर किया गया ये प्लेन वेव था। अब जैसे कि हमें वार्प वेव बनाना है, इसको हमें क्या करना है, इसको याद रखने का एक तरीका कि हमें वार्प वेव है तो जो प्लेन वेव है उसको हम वार्प डायरेक्शन में या तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ये आपका प्लेन वेव हो गया। इसको अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ाना है मतलब इस तरफ बढ़ाना होगा या तो इस तरफ बढ़ाना होगा, दोनों तरफ ही बढ़ाना होगा, कोई एक तरफ नहीं बढ़ाएंगे। जब हम रेगुलर वार्प वेव बनाएंगे तो इसको वर्टिकली ऊपर भी जितना बढ़ाएंगे नीचे भी उतना एक्सटेंड करेंगे, तो जाके रेगुलर वार्प वेव का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नंबर एग्जांपल पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे जो पैटर्न था वन, यहाँ पे वन डाउन, यहाँ पे वन डाउन, एक ऊपर की तरफ बढ़ाया, और यहाँ पे जो पैटर्न था वन अप वन डाउन, इसको नीचे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, तो बढ़ाने में जो हमें स्ट्रक्चर मिला इसको क्या कहेंगे, 2x2 वार्प वेव। और ये रेगुलर इसलिए है क्योंकि इसके दोनों तरफ जो है इक्वल एक्सटेंशन किया गया है। इधर भी एक बार एक्सटेंड किया गया, इधर भी एक ही बार एक्सटेंड किया गया है। तो जो वेव बना है 2x2, दोनों तरफ 2x2 का, इसको वार्प रिब कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली और दो एग्जांपल है, ये 3x3 है क्योंकि ये प्लेन वेव को इस तरफ दो बार और इस तरफ तीन बार एक्सटेंड किया गया, या सॉरी दो बार एक्सटेंड किया गया, दोनों तरफ दो दो बार एक्सटेंड किया गया। तो जो रिजल्टेंट जो रिब वार्प रिब बना है वो है 3x3 का वार्प रिब है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये तीसरा वाला एग्जांपल है जो ये दोनों तरफ तीन बार एक्सटेंड किया गया, यहाँ पे तीन, यहाँ पे भी तीन एक्सटेंड किया गया, ये है 4x4 वार्प रिब। इसका अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर कोशिश से भी देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे इस तरफ से काटेंगे फैब्रिक को तो जो वेफ्ट है वो सर्कल दिखेगा और बाकी जो वार्प है वो ऐसे लाइन दिखेगा, धागा दिखेगा ऐसे। ठीक है, तो सबसे एक नंबर एंड ले लेते हैं। एक नंबर एंड का क्या पैटर्न है, ये चारों शुरुआत के चारों पीक के लिए अप है, फिर आगे चार पीक के लिए डाउन है। सिमिलरली यहाँ पे है, इस तरफ अप साइड है तो फेस साइड है ये, और ये बैक साइड है फैब्रिक का। तो देखिए फेस साइड में क्या हुआ, एक नंबर जो धागा है ये चार पीक के लिए अप है, फिर नीचे गया और चार पीक के लिए डाउन गया है, ये इसका इंटरेसमेंट पैटर्न है 4x4 वार्प वेव में। सिमिलरली जो दूसरा धागा है जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है, इसका क्या है, पहले चार पीक के लिए डाउन में रहा, फिर आगे का चार पीक के लिए आप में रहा, ऊपर रहा। तो इसलिए शुरुआत में चार पीक के लिए डाउन, फिर आगे चार पीक के लिए ऊपर, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर है 4x4 का, ये जो ग्रुपिंग दिखाई दे रहा है, एक ही शेड के अंदर चार पीक इकट्ठे आ गए, यहाँ पे भी चार पीक इकट्ठे आ गए, ग्रुपिंग हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, वार्प रिब्स का जो कॉर्ड लाइन बनेगा वो हॉरिजॉन्टली बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा कॉर्ड लाइन फैब्रिक का। इसको कहते हैं वार्प रिब, लेकिन इसका जो लाइन बनेगा कॉर्ड लाइन वो हॉरिजॉन्टली बनेगा। ये हो गया आपका रेगुलर। इसको अगर हम ड्राफ्टिंग प्लान बनाएंगे तो क्या होगा, दो हिल फ्रेम लगेगा, दो क्योंकि दो एंड अलग अलग है, दो हिल फ्रेम लगेगा, और इसका जो पेग प्लान होगा सिमिलरली इस डिजाइन के समान होगा, एक जैसा ही होगा इसका पेग प्लान। तो इरेगुलर में क्या रखा है, इरेगुलर में कुछ है नहीं, इरेगुलर मतलब
हम इसको प्लेन वेव को अगर एक्सटेंड कर रहे हैं दोनों तरफ, उसका जो एक्सटेंशन होगा अनइक्वल एक्सटेंशन होगा। इस एग्जांपल में जैसे इसको नीचे की तरफ दो बार बढ़ाया गया, ऊपर की तरफ बढ़ाया नहीं गया, तो इसको जो कहेंगे हम कौन सा है, 3/1 इरेगुलर वार्प रिव है। ये जो एग्जांपल है 3/1 1/3 का इरेगुलर वार्प रिव है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल जो है 3/2 का है, ये प्लेन वेव था पहले अपने पास, इसको एक्सटेंड किया है इस तरफ एक एक बार, और इस तरफ इसको दो बार एक्सटेंड किया, तो हमें जो रिजल्टेंट जो बन गया मेरे पास, जो वार्प रिव का जो स्ट्रक्चर बना है उसका नाम हो गया 3/2 और 2/3, 3 up 2 down, 2 up 3 down। तो ये एक इरेगुलर वार्प रिव बन गया, क्योंकि यहाँ पे 3/1 1/3 है। मतलब जैसे अगर रेगुलर होता तो कैसे कहते हैं कि 2/2 इक्वल होता, 2/2 होता, 3 होता 3 होता, 4 and 4 होता, लेकिन इरेगुलर है तो इसको क्या कहेंगे, 3 and 3 up 1 1 up 3 down, ये इरेगुलर हो गया 3 और 1। यहाँ पे भी हो गया 3 और 2, 3 up 2 down 2 up 3 down, ये इसमें इरेगुलर स्ट्रक्चर हो गया। इसका भी अगर हम देखेंगे पैटर्न क्रॉसेस में भी, अगर इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहला धागा 3 बार आप है, फिर 2 बार डाउन है, 3 बार आप हो गए ब्लैक धागा, फिर 2 बार डाउन हो गए, फिर दो नंबर रेंज क्या हो गया, 3 बार डाउन है फिर 2 बार आप है, 3 बार डाउन है 2 बार आप है। ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। कोई भी फैब्रिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू के थ्रू जानना पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आएगा। तो कोई भी डिजाइन में एक दो धागे का क्रॉस सेक्शनल व्यू बना लेना जरूरी है, ठीक है। ये आपका हो गया वार्प रिव्स, दोबारा ध्यान से देख लीजिए। वार्प रिव का मतलब है प्लेन वेव को वर्टिकल डायरेक्शन या वार्प डायरेक्शन में एक्सटेंड करना होता है इस डायरेक्शन में, तो ये जाके वार्प रिव बनता है। अभी जो इरेगुलर वार्प रिव बना, यहाँ पे 3 धागे इकट्ठे हैं, यहाँ पे 2 धागे इकट्ठे हैं, तो जो कॉर्ड लाइन जो बनेगा, जो वार्प रिव बनेगा, वो दोनों तरफ जो उसका जो जो कॉर्ड लाइन होगा वो मोटा और पतला होगा। यहाँ पे क्योंकि 3 धागे का ग्रुपिंग है, ये मोटा लाइन बनाएगा, यहाँ पे एक 2 धागे का ग्रुपिंग है, तो ये पतला लाइन बनेगा कॉर्ड लाइन हॉरिजॉन्टली। सिमिलरली यहाँ पे 3 और 1 है, 3 धागा इकट्ठे रहेगा तो मोटा लाइन बनाएगा, और ये 1 धागा रहेगा, एक बहुत पतला लाइन बनाएगा। तो इस जो कॉर्ड लाइन है, 3 धागे का जो कॉर्ड लाइन बनेगा, एक इसका प्रोमिनेंसी काफ़ी ज़्यादा होगा। अब देखेंगे वेव रिव्स के बारे में। दीज आर कॉन्स्ट्रक्टेड बाई एक्सटेंडिंग द प्लेन वेव इन वेव डायरेक्शन। जैसे कि बताया था ये उल्टा होता है वार्प रिव से, ये प्लेन वेव है, इसको हम वेव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, इस तरफ बढ़ाएंगे दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। अगर हमें रेगुलर बनाना है तो हम इसको दोनों तरफ इक्वली बढ़ाएंगे। जैसे कि ये 2/2 का वेव रिव्स है, मतलब यहाँ से एक बार बढ़ाया और यहाँ से एक बार, पहले मैंने प्लेन वेव ले लिया था, इसका जो पैटर्न है इस एंड का पहले 1 up 1 down, सिमिलरली इसको बाएं तरफ बढ़ा दिया एक 1 up 1 down, और इस एंड का था 1 down 1 up, तो इस तरफ बढ़ा दिया 1 down 1 up, तो ये जो 2/2 का ये वेव ट्रिप बन गया रेगुलर। ये भी एक 3/3 का रेगुलर वेव ट्रिप्स है, सिमिलर तरीके से बनाया गया है। ये भी एक 4/4 का रेगुलर वेव ट्रिप्स है, इसका क्रॉस सेक्शन भी बनाया गया है। अब जब फैब्रिक को हम इस तरफ से काटेंगे तो उसमें क्या होगा, जो वार्प थ्रेड था वो सर्कल दिखेगा, तो यहाँ पे ऑटो वार्प थ्रेड था, ऑटो वार्प थ्रेड सर्कल दिख रहा है, और जो वेफ्ट है वो आपको लाइन में दिखेगा लीनियरली, कैसे उसमें इंटरलेस किया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नंबर धागा जो है लाल में दिखाया गया, एक नंबर धागा देखिए वेफ्ट 4 बार नीचे है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शेडेड है, तो शेडेड का मतलब है वार्प आप है, तो ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये ऊपर है लाल के, लाल धागे के ऊपर है, फिर ऊपर है, फिर इसके बाद फिर यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, फिर क्या हुआ, इस इंटरचेंज हुआ मतलब ये जो वार्प थ्रेड 4 up था, यहाँ पे आगे जाके 4 वार्प थ्रेड फिर नीचे चला गया, मतलब वेप आप हो गया। यहाँ पे 4 वार्प के लिए वेप नीचे था, यहाँ पे 4 वार्प के लिए वेप ऊपर आ गया, इसलिए जो रेड धागा है ऊपर आ गया। अब दो नंबर में क्या है, वेप ऊपर है, 4 वार्प का धागा नीचे है शुरुआत में, वेप ऊपर है, इसलिए ब्लैक धागा देखिए लगातार 4 वार्प के लिए ऊपर है, और फिर आगे 4 वार्प ऊपर आ गया तो वेफ्ट नीचे चला गया, तो 4 वार्प ऊपर आ गया तो वेफ्ट नीचे आ गया। तो इससे जो आपका कॉर्ड लाइन बनेगा, ये कॉर्ड लाइन बनेगा वर्टिकल कॉर्ड लाइन बनेगा, वर्फ के डायरेक्शन में कॉर्ड लाइन बनेगा, लेकिन इसका नाम है वेफ्ट रिव्स। वेफ्ट रिव्स इसलिए कहा जा रहा है कि डिज़ाइन में जो इसको एक्सटेंड करते हैं
दोनों तरफ ये वेव डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करते हैं। अगर हमें रेगुलर बनाना है तो दोनों तरफ इक्वली हम एक्सटेंड करेंगे। अगर यहाँ पे दो दो एंड्स में दो एंड एक्सटेंड किया गया है तो लेफ्ट साइड में दो एंड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे 3/3 का वेव ट्रिप रेगुलर वेव ट्रिप बनेगा। अगर सिमिलरली अगर हमें इरेगुलर बनाना है तो उसी में हम क्या करेंगे, अनइक्वल एक्सटेंशन करेंगे। मान लीजिए इस तरफ दो दो एंड्स के लिए एक्सटेंड किया गया, इस तरफ एक एंड एक्सटेंड किया गया, तो जो वेव ट्रिप बना है उसका नाम हो गया 3/2 या तो 2/3 का वेव ट्रिप्स। ये इसका एग्जाम्पल है, इरेगुलर वेव ट्रिप हो गया क्योंकि 3/2 एक तीन है एक दो है, अलग अलग एक्सटेंशन हुआ है दोनों तरफ, इसलिए इरेगुलर हो गया। ये भी एक इरेगुलर वेव है, 4/2 का है इरेगुलर वेव फ्रेम। सिमिलरली उसी तरीके से बनाया गया, इस तरफ 3 बार एक्सटेंड किया गया, इस तरफ 1 बार एक्सटेंड किया गया। और सिमिलरली इसका ड्राफ्टिंग पैटर्न और पेक पैटर्न दिया गया है, इसमें दो ही हिल फ्रेम लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो 8 धागा है, 8 धागा में से शुरुआत के 4 धागा का पैटर्न सेम है, एक नंबर हिल फ्रेम से ड्रॉ किया गया है। आगे जो 5 से 8 तक जो एंड्स है ये 2 नंबर हिल फ्रेम ड्रॉ किया गया है क्योंकि 4ों का पैटर्न सेम है, तो 2 हिल फ्रेम लगेगा। और इसका जो पेक पैटर्न बनेगा ऐसे 1 अप 1 डाउन 1 डाउन 1 अप बनेगा, प्लेन वेव जैसे इसका पेक पैटर्न है, और ड्राफ्टिंग इस तरीके से बनेगा, ग्रुपिंग हो जाएगा। सिमिलरली इरेगुलर में भी इसी तरीके से बनाया गया है, इसका ड्राफ्टिंग पैटर्न और पेक पैटर्न। यदि फैब्रिक कहाँ यूज किया जाता है, कोई ग्रॉस ग्रेन क्लॉथ से उसमें यूज किया जाता है, कोई विंडो ब्लाइंड से, रेलवे कैरिज में यूज किया जाता है, व्हीकल में यूज किया जाता है, हैंडकार चिप में यूज किया जाता है, हैंडकार चिप में यूज किया जाता है, फिर फर्नीचर में यूज किया जाता है। आप देखेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जैसे ये बताया था कि दीज आर कंस्ट्रक्चर बाय एक्सटेंडिंग द प्लेन वेव इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जब अगर एक्सटेंड करेंगे तो हमें जो बनेगा वो मैट्रिक्स बनेगा। ये भी इसमें भी दो टाइप का होता है, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर में दिखाएंगे, ये आपका प्लेन वेव हो गया, ये प्लेन वेव अगर दोनों तरफ बढ़ाएंगे इक्वली तो जो बनेगा वो रेगुलर वेव मैट्रिक्स बनेगा। तो ये प्लेन वेव था, इसको इस तरह बढ़ा दिया गया, एक बार इस तरह बढ़ा दिए और एक बार इस तरह बढ़ा दिए इक्वली, एक एक बार बढ़ाए, फिर इस तरह भी एक बार, इस तरह भी एक बार, तो दोनों तरफ इक्वली इसको एक्सटेंड किया, एक एक बार दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जो बनेगा ये 2/2 का मैट्रिक बनेगा। ये जो पहला एग्जांपल है 2/2 का मैट्रिक है, और यहाँ पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया है फैब्रिक में कैसे दिखता है मैट्रिक 2/2 का। और इसके इंटरलेसमेंट पैटर्न मैच करा लीजिए, जो पहला है 2 अप 2 डाउन, देखिए पहला वार पेंट है, 2 ऊपर है फिर नीचे चला गया वेफ्ट के, फिर अगला भी सिमिलरली है 2 अप 2 डाउन है, 2 अप 2 डाउन है, फिर आगे है 2 डाउन 2 अप डाउन 2 अप फिर 2 डाउन 2 अप, ऐसे हैं। ठीक है, ये 2/2 का हो गया, फिर ये 3/3 का मैट्रिक है, ये 4/4 का मैट्रिक है। मैट में क्या होता है, इसमें धागे का जो ग्रुपिंग होता है दोनों तरफ से होता है, वार्प की दिशा में भी धागा का ग्रुपिंग हो गया और वेफ्ट की दिशा में धागा का ग्रुपिंग हो गया। लेकिन वेफ्ट ट्रिप में ऐसा नहीं है, वेफ्ट ट्रिप में क्या होता है, वार्प की दिशा में धागा का ग्रुपिंग हुआ और वार्प ट्रिप में वेफ्ट की दिशा में धागा का ग्रुपिंग होता है, लेकिन जो मैट ट्रिप है मैट ट्रिप में दोनों की दिशा में ही धागा का ग्रुपिंग होता है, एक वार्प की दिशा में एक वेफ्ट की दिशा में, दोनों दिशा में धागा ग्रुपिंग हुआ है। इसमें अगर जो रेगुलर मैट ट्रिप होगा आपको दिखेगा जो जो नंबर ऑफ जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है उसका साइज इक्वल होगा, जैसे इसका भी जो साइज है इसका भी वही साइज है, इसका भी वही साइज है, सेम साइज का सब रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा डिजाइन में। लेकिन इरेगुलर होगा तो अनइक्वल साइज रहेगा। इसका देखिए एक अलग टाइप का एक स्क्वायर बना है, ये रेक्टेंगल अलग शेप में है, ये स्क्वायर अलग शेप में है, ये अलग शेप में है, ये इरेगुलर में होता है। इसको कैसे कहेंगे इरेगुलर में, इरेगुलर कैसे बनाया जाता है, जैसे इरेगुलर वार्प भी वेव ट्रिप बनाते हैं उसी तरीके से इसको बनाया जाता है, मतलब बोथ डायरेक्शन में इरेगुलर एक्सटेंशन करेंगे, अनइक्वल एक्सटेंशन। जैसे ये प्लेन वेव था, इसको इस दिशा में एक बार, इस दिशा में 3 बार, फिर इस दिशा में एक बार, इस दिशा में 3 बार, ऐसा करके जो बनाए ये इरेगुलर मैट्रिक बन गया। और इसमें जो भी बना है स्क्वायर, देखिए स्क्वायर का साइज अलग है, इसका अलग है, फिर ये दोनों रेक्टेंगल का सेम है। लेकिन अगर रेगुलर होता
इसमें सारा जो स्क्वायर या रेक्टेंगल बनता है वो इक्वल साइज का होता है। ये हो गया आपका 4 बाई 2 का इरेगुलर मैट्रिक्स, और ये एग्जाम्पल हो गया 5 बाई 3 का है, 1 2 3 4 5, 5 अप 3 डाउन, तो 5 बाई 3 का ये इरेगुलर मैट्रिक्स हो गया। इरेगुलर होगा तो जैसे 5 बाई 3 बताया, तो 5 का एक स्क्वायर बनेगा, 5 बाई 5 का स्क्वायर बनेगा, 3 बाई 3 का एक स्क्वायर बनेगा, बाकी जो बचेगा वो है डाउन पोर्शन रहेगा वेफ्ट का, वेफ्ट आप रहेगा वो आपका डाउन पोर्शन रहेगा, और वो एक रेक्टेंगल शेप में बनेगा। तो ये इसके तरह आपको बन जाएगा मैट्रिक्स, ये इरेगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में एक खासियत है कि जो धागा का ग्रुपिंग होता है दोनों डायरेक्शन में होता है, इसको ध्यान में रखिए, वार्प में भी वेफ्ट में भी। वार्प रिब में जो होता है वो होता है आपका वेफ्ट डायरेक्शन में होता है उसका ग्रुपिंग, वेफ्ट वेफ्ट का ग्रुपिंग होता है, और वेफ्ट रिब में वार्प का ग्रुपिंग होता है। तो ये आपका हो गया प्लेन वेव और उसका डेरिवेटिव्स है। अब इसको यहाँ पे दिखाया भी गया है जो ड्राफ्टिंग और पेक प्लान कैसे बनाएंगे, इसमें चार चार एक यहाँ पे चार धागा इकट्ठे वर्किंग में है, सेम पैटर्न में है, फिर वो एक फ्रेम से लिया गया ये भी, और बाकी चार धागा एक ही पैटर्न में है, एक ही साथ वर्किंग हो रहा है, तो इसलिए इसको अलग फ्रेम में लिया गया। और इसका जो पेक प्लान बनेगा वो ये बनेगा 4 अप 4 डाउन 4 डाउन 4। अब इसका जो पेक प्लान है वो देखिए, एक वार्प रिव है इसका पेक प्लान, मैट का इसका पेक प्लान वार्प रिव है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग है वो वेफ्ट रिव है, ड्राफ्टिंग पैटर्न। तो दोनों मिला के वार्प रिव और वेफ्ट रिव मिला के जो बनाया गया वही मैट रिव होता है बेसिकली। ओके, ऐसा करते हुए समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।